नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हमने बात की मीनू प्रसाद जी, जो बीजेपी छोड़कर टीडीपी में शामिल हुई। हमने मीनू प्रसाद जी से बीजेपी छोड़ने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में वे अपने क्षेत्र में समाज सेविका बनकर कार्य कर रही थी, उसके बाद वे बीजेपी में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया। आपको बताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 23 से अब मीनू प्रसाद जी टीडीपी के उम्मीदवार होंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं टीडीपी ऑफिस के यहाँ पर, और मेरे साथ है यहाँ पर मीनू प्रसाद जी, जो आज बीजेपी छोड़कर टीडीपी पार्टी ज्वाइन हुई है। तो आइए इसी विषय में हम उनसे बात करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो वो बीजेपी में अपना पोस्ट छोड़कर आज टीडीपी ज्वाइन हुई है, बताइए। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं टीडीपी के अध्यक्ष जी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी पदाधिकारीगण जो मुझे आज टीडीपी के यहाँ पे पार्टी में मुझे शामिल किया और सीट दिया। मैं वार्ड नंबर 23 से लड़ना चाहती हूँ, और मैं लड़ूंगी और जीत करके मैं आऊँगी। मैम, आप ये बताइए, आपने बीजेपी पार्टी क्विट क्यों की? ऐसा हुआ क्या आपके साथ? मेरा तो पहले से आदत था कि मैं सोशल वर्क करती थी। फिर कुछ दोस्तों ने मेरे घर आया और मुझे बीजेपी ज्वाइन करवाया। उन्होंने कहा था कि लेडीज सीट होगा तो मुझे सपोर्ट करोगे, जेंट्स सीट होगा तो मैं उनको सपोर्ट करके जिताना है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे धोखा दिया। अगर वो मेरे को सपोर्ट करते तो शायद मुझसे सीट मिल जाता था, तो मुझे सीट नहीं मिला। मधु जी को मिला है वार्ड नंबर 23 से, और देखते हैं। मैम, पार्टी में आपका पोस्ट क्या था बीजेपी में? सिटी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। तो मैम, सिटी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होने के बावजूद भी आपको पोस्ट नहीं मिला, तो अभी जिसको पोस्ट मिला है, मतलब जिसको टिकट मिला है, उनका पोस्ट क्या है? उनका पोस्ट है CCW में डायरेक्टर है, महिला मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी है, और उनका हस्बैंड जो है शक्ति केंद्र प्रमुख है। तो आपको क्या लगता है, ये पार्टी ने सही निर्णय लिया? नहीं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। उनका काम था चॉइस करना और देना, तो उनको जो ठीक लगा होगा उनको दिए होंगे, मुझमें शायद कमी होगा तो उन्होंने नहीं दिया। तो आप अभी वार्ड नंबर 23 से आप कॉन्टेस्ट करेंगे अब? हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड का कहना है, और ये हमारा जो जंगली घाट के प्रेम मामा है, तो उनसे बात हुआ था मेरे हस्बैंड के थ्रू, तो हस्बैंड ने कहा कि जाना है और करना है, क्योंकि मैंने हस्बैंड से पूछे बिना पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी। फिर उसके बाद में हस्बैंड मान लिए थे, फिर बोला ठीक है चलो निकल गए हैं, तो अब लड़ना है, करना है, 100% अपना देना है। तब हम हस्बैंड का बात सुने बिना करके कर ली, फिर सपोर्ट भी करते, आज भी सपोर्ट करते। तो प्रेम मामा ने मुझे हस्बैंड को फ़ोन किया और TDP ज्वाइन करने के लिए कहा, तो मुझे इस बार तो हस्बैंड का कहना मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही धर्म संकट में हूँ अभी। तो ये थी हमारे साथ मीनू प्रसाद जी, जो BJP पार्टी से थी, और ये अभी BJP छोड़कर ये अभी TDP ज्वाइन हुई है। तो और ये वार्ड नंबर 23 से ये TDP की तरफ से कॉन्टेस्ट करेगी। तो आइए इसी विषय में हम आगे भी देखते हैं। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन के साथ, न्यूज़ अब तक, धन्यवाद। वार्ड नंबर 23 से मीनू प्रसाद जी। मैम, आप कब फिल करेंगे? 2 बजे, अभी सर के साथ निकल कर हम लोग। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।